योएल नबी की पुस्तक 2:28 उसमें लिखा है, उन बातों के बाद मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, पुर्निये स्वप्न देखेंगे। पुर्निये कौन है? बुजुर्ग। कौन से बुजुर्ग? वो बुजुर्ग नहीं जो शरीर के बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्ग जो आत्मा के बुजुर्ग। यहां बैठा एक 35 साल का व्यक्ति, उस व्यक्ति से आत्मा में बुजुर्ग हो सकता है जो 70 साल का है। इसीलिए बाइबल कहती है जब परमेश्वर लोगों को चुनता है, जैसे मूसा को उसने चुना तो उसने उम्र देख के नहीं चुना, दाऊद को चुना उसने उम्र देख के नहीं चुना, उसने कहा तुम्हारे पुर्निये स्वप्न देखेंगे। आज से 3 दिन पहले मैं प्रार्थना करके ही सोता हूं हमेशा, 99.99% तो मैं प्रार्थना करके जैसे ही सोता हूं तो मुझे एक सपना आता है। परमेश्वर मुझे दिखाता है मेरा एक कर्मचारी कि वो एक चीज भूल गया, एक सरकारी जैसा दिखने वाला काम, तो उससे मुझे दिक्कत हो रही है सपने में। उस कर्मचारी की शक्ल, उसका नाम, उसने क्या गलती की कि मैं भूल गया, सारा कुछ मैंने अपनी वाइफ को बताया। मैंने कहा इसको बुलाओ, इसको बुलाया तो उसको बताया, वो हैरान था क्योंकि उस चीज के बारे में मुझे मालूम तक नहीं था। है वो मिनिस्ट्री की चीज है लेकिन मुझे पता नहीं था। तो जब उसको बताया कि तू भूल गया, कहता हाँ मैं 2 महीने भूल गया, तो उसको सुधारा। और सारे लोग हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है कि सपने में परमेश्वर मुझ पे वो चीजें जाहिर कर रहा है जो तुम गलती बाहर कर रहे हो। तुम्हारे पुर्निये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेलूंगा। आज से आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो रही है, कान ओपन हो रहे हैं, आपको विजन्स आएंगे, आपको दर्शन आएंगे और स्वप्न आएंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च।